हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी, चटपटी और झटपट बनने वाली चना आलू चाट बनाने की रेसिपी बताऊंगी। चना आलू चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप उबले हुए चने, 1 छोटा आलू उबला हुआ, दही, धनिया पुदीने की तीखी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा भुना हुआ, सफ़ेद नमक, काला नमक, चाट मसाला और गार्निशिंग के लिए अनार के दाने और बारीक सेब। चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे उबले हुए सफ़ेद चने, उबले हुए आलू, सफ़ेद नमक, काला नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चना आलू में सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब सर्व करने के लिए हम चाट तैयार करेंगे। चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे चना आलू का मसालेदार मिक्सचर, अब इसके ऊपर हम डालेंगे बीट किया हुआ दही, खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, इसके ऊपर डालेंगे फिर से थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा और इसे गार्निश करेंगे। थोड़े से सेब डालेंगे इस तरह से और इसके ऊपर डालेंगे अनार के दाने और हमारी चाट सर्व करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, चना आलू चाट सर्व करने के लिए तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चाट है। इसमें घी तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।